देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष ने जो गैर कानूनी फैसला सुनाया है उसके खिलाफ मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हुई है, आज पहला दिन था। और हाई कोर्ट में जब मैंने ये बात रखी कि मेरे को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया गया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और ऐसे बहुत सारे तथ्य थे जो मैं रखना चाहता था जो मेरे को नहीं रखने दिए गए हैं, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया है, तो हाई कोर्ट ने अब मेरे को मौका दिया है वो सारे तथ्य मैं हाई कोर्ट के सामने रखूं। 2 हफ्ते में मेरे को काउंटर एफिडेविट हाई कोर्ट में जमा कराना है जिसमें वो सारे तथ्य रखने हैं जिनकी सुनवाई अध्यक्ष महोदय ने नहीं की थी, और 4 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। आपकी तरफ से कहा गया कि जनवरी के अंदर सदस्यता रद्द करने की बात हुई थी और उसके बाद से आपको सुना नहीं गया जब बजट सत्र में था, इस पर क्या रहा? देखिए, मैंने जो याचिका दायर की है उसमें मेरा मुख्य बिंदु ये है कि मेरे को 27 जनवरी 2019 से डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है। 27 जनवरी 2019 को मैं विजय गोयल जी के घर में गया था, तो केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी के घर में जाने के कारण अगर आप मेरी सदस्यता रद्द करते हैं तो आपको ये साबित करना होगा कि ये कोई इतना बड़ा अपराध था जिसके कारण विधानसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आपने जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं अब वो मैटर नहीं करते। जिस दिन आपने सदस्यता रद्द की है उसी दिन या उससे पहले अपराध हुआ है ये आपको साबित करना होगा। तो याचिका में इसके संबंधित कोई तथ्य नहीं रखे गए, केवल एक न्यूज़ क्लिपिंग लगाई गई थी कि कपिल मिश्रा विजय गोयल जी के घर में गए और वहाँ पे मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और विजय गोयल तीनों बैठे थे, उनकी एक फ़ोटो लगाई गई है। तो इस आधार पे विधानसभा अध्यक्ष को कोई फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष केवल विधानसभा से संबंधित मामलों को सुन सकता है, तो यही मैंने अपनी याचिका में रखा है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है, याचिका में सुनवाई शुरू कर दी है और मेरे से वो सारे तथ्य रखने का मेरे को मौका हाईकोर्ट ने दिया है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी पॉजिटिव शुरुआत हुई है इस सुनवाई की, और मेरे को लगता है कि इसमें न्याय की, सत्य की जीत होगी इस केस में। विधानसभा के जो वकील थे उनकी तरफ से कहा गया कि आपको कई सारे मौके जो हैं इस पूरे मामले पर दिए गए। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मेरे को मौके दिए, लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने जो याचिका दायर की, जो जवाब दायर किया था उसमें मैंने ये कहा था कि आपको ये याचिका सुनने का अधिकार ही नहीं है। अभी तक अध्यक्ष ने कहीं पर भी ये साबित नहीं किया है कि ये सुनना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। विधानसभा के बाहर की गतिविधि जिसमें व्हिप का उल्लंघन ना हो, जिसमें किसी पार्टी को ज्वाइन ना किया गया हो, जिसमें कि सरकार की स्थिरता या अस्थिरता पर कोई संकट ना हो, यानी कि जो नंबर होता है, बैलेंस नंबर होते हैं सीटों के, किसकी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं उसमें कोई अंतर ना आ रहा हो, तो विधानसभा का अध्यक्ष ऐसे मामलों को सुन नहीं सकता। केवल उन्हीं मामलों को सुन सकता है जिसमें सीटों का अंतर आता हो, तो इसका कोई जवाब उसमें नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष के पक्षपाती होने के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन ऑर्डर में नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मेरे को अधिकार एक बार दिया गया और बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कराया गया, इसके बारे में ऑर्डर में कोई सफाई नहीं दी गई है, कोई कारण नहीं बताए गए हैं। मेरे गवाहों को नहीं आने दिया गया सुनवाई में, इसके बारे में कोई कारण नहीं बताए गए हैं। तो इन सभी तथ्यों पर वो जो ऑर्डर है वो अपने आप में एक गैरकानूनी ऑर्डर बन जाता है और एक पक्षपाती ऑर्डर बन जाता है। और मेरे को लगता है जिस प्रकार हाईकोर्ट ने स्वीकार किया इस याचिका को आज और सुनवाई इसमें शुरू कर दी है, सभी पार्टियों को अपने वकीलों को लाने का निर्देश दिया गया और विधानसभा के याचिकाकर्ता के सभी वकील वहां पर आए, तो इसका मतलब है अब हाईकोर्ट ने कम से कम संज्ञान ले लिया है। हाईकोर्ट को भी लग रहा है कि प्रारंभिक तौर पर यह मामला सुनवाई के योग्य है, इसमें हो सकता है कि जो अध्यक्ष का ऑर्डर है वो गलत हो। तो हाईकोर्ट अगर इस मामले की सुनवाई कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव शुरुआत है।